दिल्ली प्रदेश नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष राजीव जोली खोसला ने आज सफदरजंग अस्पताल में बाकी अस्पतालों की तरह पार्किंग फ्री करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन सौंपा। सफदरजंग अस्पताल में चल रहे भ्रष्टाचार पर गोपनीय जांच कर शीघ्र कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस स्थान पर ऑडिटोरियम बनना है उस स्थान को भी प्रशासन की मिलीभगत से टेंडर में शामिल कर 18 लाख प्रति महीना का निकाला गया ताकि बाद में जगह कम करने के नाम पर मोटे पैसे लेकर भ्रष्टाचार कर सके। नई पार्किंग रेट स्कूटर के लिए 24 घंटे के 230 रुपए और कार के 24 घंटे के लिए 460 रुपए देने होंगे, जो कि जरूरत से ज्यादा है, जिसकी सूचना एमएस डॉक्टर बीएल शेरवाल साहब और स्वास्थ्य मंत्री को भी दी, मगर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। पैंथर पार्टी दिल्ली में पार्किंग के खिलाफ जनता के साथ मिलकर मुहिम को अंजाम देगी। पैंथर सुप्रीमो स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह जी के न्याय अधिकार की जंग आओ मिलकर लड़े, आप और हम सभी से निवेदन है कि वह हमारा साथ दे। सफदरजंग अस्पताल जहाँ पर एक सरकारी अस्पताल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अस्पताल है, जहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। इलाज के लिए जो परेशानी होती है वो तो एक अलग चीज़ है, मगर वहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत बड़ा इशू है। अभी एक नया पार्किंग टेंडर पास हुआ है अभी 29 तारीख को, जिसमें कि जनता की जेब में से सारा पैसा निकालने की योजना बनाई गई है। 18 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ है पर मंथ, जो कि जरूरत से ज़्यादा है। हम उस बात के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि उसके साथ में ही ट्रामा सेंटर है, उसके साथ में ही ऑल इंडिया मेडिकल है, जहाँ पार्किंग बिल्कुल फ्री है। अभी कुछ समय से वहाँ पार्किंग बिल्कुल फ्री कर दी गई है, और दिल्ली लेडी हार्डिंग में भी पार्किंग फ्री है, और आरएमएल में मात्र मिनिमम चार्जेस हैं। मगर सफदरजंग हॉस्पिटल में पार्किंग का चार्ज देखते हुए बड़ा ही अनाप शनाप चार्ज लगाया गया। दिल्ली से बीसीएन न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।